हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम तिल और गुड़ के लड्डू बनाने वाले हैं। साथ ही में मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगी, अगर आपने तिल के लड्डू के अंदर वो चीज़ डालकर बनाई खाई तो आपसे सर्दी और जुकाम जो है कोसों दूर भागेंगे। इस सर्दी में आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल का यूज़ किया है मैंने, इन्हें साफ़ करके रख लिया है। इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ थी उन्हें अलग कर दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 पाव ही गुड़ लिया है। गुड़ जो है आप रेड कलर का यूज़ ना करें, उससे लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। साथ ही में मैंने दो टीस्पून देसी घी का यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हमारे जो तिल है उन्हें डालकर रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लें। तिल जो है बहुत जल्दी ही रोस्ट होकर तैयार हो जाते हैं, इन्हें रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। जब तिल रोस्ट हो जाएंगे तो आप इन्हें हाथ से क्रश करके देखेंगे तो ये आराम से जो है पिस जाएंगे, टूटने लगेंगे। इसका मतलब जो है हमारे तिल जो है रोस्ट होकर रेडी हैं और साथ ही में इनका कलर जो है वो भी हल्का हल्का सा ब्राउनिश होने लग जाएगा। देखिए, आप देख ही रहे होंगे कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि तिल जो है बुनकर रेडी हैं। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब ये देखिए, तिल को मैंने अलग से निकाल लिया है, तिल रोस्ट हो चुके हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है, इसी को आज हम तिल के लड्डू के अंदर डालेंगे और इसी से जो सर्दी जुकाम होगा वो हमसे कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि तिल ऑलरेडी गर्म होता है और सौंठ पाउडर के अंदर भी काफ़ी सारी बेनिफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमसे सर्दी दूर रहेगी। अब मैंने जो घी लिया था उसे मेल्ट कर लिया है और गुड़ को हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस टाइम पर मैंने गैस फ्लेम ऑफ ही रखी है, हमारी कढ़ाई जो गर्म है उसी के अंदर हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी देर गैस फ्लेम को ऑफ ही रखूंगी। जब ये देखिए, इस टाइम पर मैंने गैस फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, गुड़ के जलने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें गुड़ को एक्स्ट्रा कुक भी नहीं करना होता है, ओवर कुक भी नहीं करना होता है, नहीं तो जो गुड़ के लड्डू हैं ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में गैस फ्लेम को ऑफ रखें, क्योंकि कढ़ाई गर्म ही होती है, और बाद में गैस फ्लेम को ऑन कर दें और गुड़ को मेल्ट कर लें। हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पानी ले लिया है, मैं गुड़ के अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ऐसा करने से जब हम गुड़ के लड्डू को बांधेंगे, लड्डू बनाएंगे तो वो भी जल्दी से हार्ड नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, यानी कि हमारे लड्डू आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे और जो इसका मिश्रण होगा वो भी टाइट नहीं होगा। देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब अगर आप कुछ ड्रॉप गुड़ की पानी के अंदर डालेंगे, इकट्ठी हो रही हैं, मेल्ट नहीं है, इसका मतलब जो है हमारा गुड़ जो परफेक्टली रेडी है, यानी कि हमारा गुड़ का जो पेस्ट है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा चला दिया। अब मैं इसके अंदर यह सौंठ पाउडर डाल दूंगी। सौंठ पाउडर के बारे में आप सभी जानते ही हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी होते हैं। गुड़ और तिल दोनों ऑलरेडी गर्म होते हैं, साथ ही में जो सौंठ पाउडर है वह भी तासीर में गर्म होता है, और इतनी ठंड में हमें गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इनके अंदर आयरन मैग्नीशियम भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब मैंने इसमें आधे तिल डाल दिए हैं और उन्हें मिक्स कर दिया है। अब मैं बाकी बचे हुए तिल भी डाल दूंगी और इन्हें भी मिक्स कर दूंगी। मैंने आधे तिल इसलिए डाले ताकि मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, मैंने सारे तिल को गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस फ्लेम को अब मैंने ऑफ कर दिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, हमें गरम गरम के ही लड्डू बनाकर तैयार करने पड़ेंगे। और इसे ठंडा कर लिया तो लड्डू बनने में हमें बाद में दिक्कत होगी, तो मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं लड्डू बनाकर रखूँगी और थोड़ा सा पानी ले लिया है, जिससे हाथ को गीला करेंगे और लड्डू बनाएंगे। घी का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर घी लगाकर हम लड्डू बनाएंगे तो हमें और ज़्यादा हथेली पर और ज़्यादा गर्म लगेगा। पानी यूज़ करने से आपको गर्माहट कम महसूस होगी। ये देखिए, मैंने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लड्डू की जो साइज़ है थोड़ी छोटी या बड़ी रख सकते हैं, तो इसी तरीके से आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने साबुत तिल का ही यूज़ किया है। अगर आपको साबुत तिल पसंद नहीं है तो आप तिल को दरदरा कूट कर भी लड्डू बना सकते हैं, पर मुझे साबुत तिल काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने साबुत तिल के ही लड्डू बनाए। देखिए, मेरे लगभग सारे लड्डू जो हैं बनकर तैयार होने वाले ही हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे कि मिश्रण हार्ड नहीं हुआ है, अभी भी बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो तिल का मिश्रण है वो हार्ड नहीं हुआ। ये देखिए, अभी लास्ट में जब मैं जो नीचे से खुरच रही हूँ कढ़ाई से, वो ही थोड़ा सा हार्ड हुआ है, बाकी सारे जो लड्डू हैं आराम से बनकर तैयार हो गए। देखिए, हमारे तिल और गुड़ के लड्डू स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं।
तो आप भी इसी तरीके से तिल और गुड़ के लड्डू बनाइए और बीमारियों को अपने से दूर भगाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।